हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है स्काईशॉट पे, ऊपर बहुत कमेंट आ रहे थे। आज मैं स्काईशॉट के टेस्टिंग करने वाला हूँ, बकायदा स्काईशॉट के रेट बताने वाला हूँ। और भी स्काईशॉट काफ़ी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। अगर रेट मेरा ऊपर, मतलब कि आपको पता मेरी यादाश्त कमजोर है, भैया अभी यहाँ पे है नहीं, तो अगर आपने ये इनमें से कोई भी स्काईशॉट लेना है मेरे से संपर्क कर सकते हो। कोरियर नहीं होगा ये, एक चीज़ बता दूं, अगर आप, मैं जुगाड़ लगा दूंगा ट्रांसपोर्ट का, पर एक चीज़ याद रखना, अगर आप करवाते हो तो आपको ये बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इनका वेट बहुत होता है। और जो पर केजी है वो 65 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये किलो ऐसे जाता है, 200 किलोमीटर के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो कोरियर आपका मर्जी है, मुझे एक बार संपर्क कर लेना, व्हाट्सअप नंबर ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अभी आपको इन सबके रेट भी बता देता हूँ, और किस से, मतलब कि सबसे सस्ता स्काईशॉट है, कितने उसमें स्काईशॉट मिलते हैं वो सारा। और अभी मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ स्काईशॉट की रात को। तो चलो पहले एक बार इनके रेट है और आपको स्काईशॉट दिखा देता हूँ सारे। अभी ये मैंने थंबनेल के लिए जो स्काईशॉट सेट किए, इनके रेट बता देता हूँ। बाकी एक चीज़ और बता दूँ, ये कोक के जो है ना स्काईशॉट, ये जो MRP लिखी होगी इनके ऊपर, जैसे 240 है, 60 है, 30 शॉट है, जो इनकी MRP लिखी होगी उसमें 50% डिस्काउंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करें। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो अगर हम बात करते हैं इस वाले स्काईशॉट की, तो ये आपको 220 रुपये का मिलेगा। पहले ये 200 का था, अभी इसका 20 रुपये रेट बढ़ चुका है, अभी आगे जाके ये और महंगा हो जाएगा। इसमें आपको मिलेंगे पूरे 25 शॉट, ये आप चेक कर सकते हो, इसमें आपको 25 शॉट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी डॉन की, इसमें आपको 12 शॉट मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, ये आपको ज्योति का मिलता है, ये थोड़ा महंगा मिलेगा, ये 120 रुपये का मिलेगा, ये आपको 100 रुपये का मिलेगा। 12 शॉट दोनों में सेम है, चलने के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। ये भी आपको डोन का सेम मिलेगा 100 रुपये का, ये 120 रुपये, 120 रुपये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस वाले के स्काईशॉट की, ये आपको मिलेगा 1400 रुपये का, ठीक है। और ये और महंगा हो जाएगा, इसमें है शॉट 100 शॉट है ये, ठीक है। उसके बाद ये आपको मिलने वाला है 500 रुपये का 30 शॉट, ठीक है फ्रेंड्स, द एलिफेंट, ठीक है। उसके बाद ये आपको मिलेगा 700 रुपये का, पहले ये 600 रुपये का था, अब रेट बढ़ चुके हैं इनके, और रेट बढ़ते जाएंगे। और ये कोक का जो मैंने आपको बताया 30, इसका जो भी MRP होगा वो उसके ऊपर आपको 50% डिस्काउंट, मतलब कि एग्जांपल के लिए मैं दे देता हूँ, जैसे कि इसका 100 रुपये आया है तो 50%, बल्कि ये आपको 50 रुपये का मिल गया। अगर 500 का है तो 50% 250 रुपये का, बल्कि वो एस्टीमेट आपका रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, मैंने बता दिया 500 है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपको 600 रुपये का मिलेगा, इसमें 25 शॉट मिलेंगे, बल्कि उसमें भी 25 शॉट है, शॉट इसमें भी 25 शॉट है, चलना अलग अलग है। मैं अभी टेस्ट करने वाला हूँ ये वाला, ठीक है, और ये आपको रात को टेस्ट करके दिखाऊंगा, ये और ये वाला, ठीक है। तो ये जोगी, ये आपको ज्योति का मिलेगा जिसके ऊपर मिसाइल बनी होती है, तो याद रखना ये अलग अलग ब्रांड रहते हैं, जैसे इसके ऊपर स्पैरो बनी है वो अलग अलग रहते हैं, रेट भी इनके अलग अलग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया ये आपको मिलेगा 1500 रुपये का, 120 शॉट है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स, कंपनी का अलग है। ये आपको मिलेगा 950 रुपये का, ये है 60 शॉट, 60 शॉट है ये, 120 शॉट है ये, 30 शॉट है। 60 शॉट में इसमें एक और सस्ता सा आता है, जैसे मैंने बताया था ये वाला, ये 700 रुपये का मिलेगा। इसके नाली का फ़र्क रहता है, तो 240 शॉट वाला ये है, ये 4000-5000 के आसपास होंगे, ठीक है। ये अलग अलग ब्रांड के है, 240, ये बहुत हैवी होते हैं, मैं उतार नहीं पा रहा, बल्कि बहुत हैवी है, अकेला बंदा नहीं उठा पाता ये, तो इसलिए मैंने इसको उतार के नीचे नहीं रख, ठीक है। जैसे ये 240 है, ये 240 पड़े हुए हैं, ये बड़े बड़े छोटे हैं, ये मतलब कि ये तो आपको जो अभी है वही रेट मिलेंगे, पर दिवाली के पास जाके इनके रेट भी अप हो जाएंगे। तो जो आपको कोक में मिलते हैं शॉट, ये आपको देख सकते हो, इन छोटों के रेट हाई होंगे। तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इसका प्राइस क्या होगा। कोक का रेट कहाँ लिखा हुआ है, जैसे ये 1415 रुपये का लिखा हुआ है, 1415 को अब हाफ़ कर लो, कितना हो गया, 1400 का हाफ हो गया 700, ये आपको 700 रुपये का मिलेगा 30 शॉट, ठीक है। तो चलो अब दिखाने वाला हूँ जिसका रात को मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो अभी मैं रात को इस वाले, सॉरी, इसका स्काईशॉट का मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। मोस्टली सारे सेम बजते हैं, और क्या होता है, फ़र्क क्या होता है कि जैसे इसकी नाली छोटी है, उसकी नाली थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो उससे हाइट थोड़ी डेवलप होती है, अदरवाइज़ सारे सेम होते हैं, उसके अंदर के पटाखे थोड़े चेंज होते हैं बस, कोई लाल रंग छोड़ता, कोई नीला रंग छोड़ता है। रात को आपकी इसकी टेस्टिंग, और एक मतलब कि वो सेम ही है, एक इसकी टेस्टिंग, तो दोनों की टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। ये बकायदा आपको खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों की टेस्टिंग करने वाले हैं, तो चलो रात करें। रात आपको पता कैसे करते हैं, ऐसे होगी रात, देखा फिर ऐसे ही ऊपर रात कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं जो टेस्ट में चला के दिखाने वाला हूँ वो है 25 शॉट,
ठीक है। ये बता दूँ कि इसमें ऊपर जाके क्रैकलिंग होती है, अब देखेंगे इसमें होता क्या है। बेसिकली ये 25 शॉट आपको देख सकते हो, इसका रेट क्या है 220 रुपये है अभी, पहले ये 200 का था, अभी 220 का हो गया है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे एक तारीख तक ये 250 का हो जाएगा, दिवाली के पास यही 350-300 का यही जाएगा। उसके बाद हम टेस्टिंग करने वाले हैं इसके, ये है 120 रुपये का जिसमें की है 12 शॉट, ठीक है। और इसका रेट, और ये मैं जो बता रहा हूँ ये आपको बाहर जो मिलेंगे ये 150, 200, 250 ऐसे इनके रेट मिलेंगे, और ये तो आपको बहुत महंगा मिलेगा, 250, 300 ऐसे अलग अलग रेट मिलेंगे। पर मेरे वैसे लेते हो तो ये अभी 220 रुपये का है। अगर आप इसको कोरियर भी कराते हो तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 65 रुपये कोरियर का खर्चा आया, कोरियर होते नहीं है वैसे, मैं जुगाड़ लगा लूँगा, टेंशन ना लो, देख लेंगे। तो अभी मैं खोल के दिखा देता हूँ, और मैं कुछ एक चीज़ और बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि ये पटाखा चलता नहीं है, उसमें क्या होता है, ये खोलते हैं तो अंदर में से कुछ ऐसा निकलता है ये, ठीक है। लुक को आप चेक कर सकते हो, फ्रंट में कुछ ऐसा, चलो इसको अच्छे से दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये सीन है कुछ ऐसा कि ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखो ये 12 पीस आप गिन सकते हो, जहाँ से शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 12 बार छोट होगा। ये फीता होता है, ये बाई चांस निकल जाए तो इसको आप जुगाड़ करके इसको बाहर निकल के डाल सकते हो अंदर, जो कि आसानी से है। पैकिंग काफ़ी बढ़िया है, याद रखना कि आपने ये वीलर लेना है, या तो ये ऊपर लिखा होता है और इसके ऊपर ये मिसाइल सी बनी होती है और लिखा होता है ज्योति, ठीक है। तो ये हो गया पटाखा, तो अब आपको मैं 12 शॉट भी दिखा देता हूँ। अब ये देखो, जैसे कि चलाते समय ध्यान रखना है कि आपने कि ये जो क्रैकर है, जो आपका स्काई शॉट है, जैसे ये अभी भींगा पड़ा है, इसको हम सीधा कर लेते हैं सीधा, वैसे ये सारा खेल इसी का होता है, ये आपको निकाल के दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी ये आप कहीं पे भी स्ट्रोक कर सकते हो। अब क्या होता है कि जैसे कि बाई चांस ये फीता बाहर आ जाए, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाऊँ निकाल के, तो फ्रेंड्स ये बाई चांस बाहर हो तो आप इसको अंदर करके चलाना, ध्यान रखना कि जब आप इसको आग लगाओगे तो ये आप देख लेना, केवल ये बाहर होगा तो क्या होगा, ये फीता ख़त्म हो जाएगा, केवल हो जाता है कई पटाखों में, ये बाहर होता है तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना, खासकर 25 में। बड़े शॉटों पर जो बड़े शॉट होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें डबल होता है, इधर भी होता है और पल्ली साइड में भी होता है, तो ये नाली होती है इसकी, जो महंगे वाला पटाखा है उसकी नाली ये बड़ी होती है, ठीक है, तो उसका शॉट भी अलग होता है। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये आपको मिल जाते हैं 25 शॉट, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 मार के 25। अब बाई चांस क्या करोगे, इधर से ये पटाखा चल गया, यहाँ के रुक गया तो आप देख लेना निकाल के, ये आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे भी शेद आपको दे रखा है, यहाँ पे भी एक फीता लगा सकते हो, जो पटाखा नॉर्मल होता है उसको निकाल के आप यहाँ लगाओगे, पर थोड़ा फेस पीछे करके लगाना। तो ये आप 25 शॉट है ये चेक कर सकते हो, फ्रंट में से अंदर में से तो कुछ दिख नहीं रहा। तो चलो अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे, अब हम इसको चला के दिखाएंगे कि ये कैसा चलता है। देखो मैंने आपके सामने निकाल के इसको फिट कर रहा हूँ, तो ये आप इसको आप किसी और तरीके से भी लग सकते हो। तो फिलहाल हम इसको आज छोड़ कर चला के दिखाने लगे, तो चलो अब इसको चला के दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें, अभी जा रहे हैं हम टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले ये चलाएंगे, उसके बाद वो चलाएंगे, तो अगर कुछ वीडियो में ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो चलो स्टार्ट करिए, बैक में से देख सकते हो इसका मसाला सा थोड़ा मिट्टी नीचे आई हुई है, तो ये काफ़ी मुझे लग रहा है धमाल करेंगे, तो देखते हैं अभी ये कैसे चलते कैसे नहीं चलते। हाँ अगर आपने लेने हैं तो मुझे इसे संपर्क कर सकते हो, कोरियर नहीं होते ये बस याद रखना, और मुझे ज़्यादा परेशान भी मत करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें इनकी टेस्टिंग, अभी हम इसको करते हैं स्टार्ट, इसके हम करेंगे टेस्टिंग, ये मैंने आपको बता दिया था। चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको ये पॉलीथीन पार लेते हैं, ठीक है, सारा पॉलीथीन पार लेते हैं, वैसे इसको नहीं भी पाड़ोगे फ़ायदा ही है, पर सिर्फ फीता फीता निकालोगे। तो ये हमने जल्दी जल्दी फाड़ लिया, और इसका फीता हमने निकालना है, कौन सी साइड से निकल गया, हाँ इधर से निकलेगा। तो इसको फटने में काफ़ी टाइम लगता है, तो अभी मैंने लेटर लगाया और आज हवा नहीं चल रही, ये काफ़ी प्लस पॉइंट है कि आज हवा नहीं चल रही, पर मच्छर बहुत है। तो इसको लग गई आग, अब देखते हैं ये कैसी परफॉर्मेंस देता है, टना टना बढ़िया परफॉर्मेंस देगा आई थिंक। इसका फीता जो काफ़ी लंबा होता है, तो अभी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। क्रैकलिंग, ओए होए, तो फ्रेंड्स देख सकते हो, ओहो सारे से सारे पटाखे एकदम जबरदस्त है, क्योंकि ये नहीं कि एक बार में दो कट्ठे फूट जाए, एकदम टाइम टू टाइम फूटते हैं, काफ़ी बढ़िया रहा ये। ये देख सकते हो कि मुझे ऊपर नीचे करने का टाइम नहीं मिला, ये आप चेक कर सकते हो, सारे चल चुके हैं यहाँ से लेके, पूरे जल चुके हैं, और अंदर का सीन कुछ ऐसा है, धुआं धुआं। तो अब हम चलाएंगे 25 शॉट, तो ये आप देख सकते हो ये चलाया, तो ये काफ़ी बढ़िया रहा है, मतलब कि नॉट बैड।
तो चलो अब 25 शॉट चलाते हैं। अब हम करने वाले हैं 25 का, तो इसको क्या करना है हमने 25 का, देखते हैं इसमें क्या निकलता है, क्रैकलिंग निकलती है या दूसरा निकलता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मैंने इसकी सारी डिटेल आपको बता दी है, बाई चांस इसमें होता है तो क्या करना है आपने, तो अदरवाइज हमने हाफ बचाना हो तो इसको तोड़ काट सकते हैं हम, काट के इसको आपको मैंने जैसे पहले बताया। अब ये स्काई शॉट मैंने आपको एकदम सीधा रख लेते हैं और रेडी देन आग लगाएंगे इसको। तो इसको लगा दी हमने आग। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं ये 25 शॉट कैसे जाता है। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ ताकि मैं वीडियो अच्छे से बना सकूँ। तो ये हम अब पूरा पीछे आ जाते हैं ताकि कवर पूरा कर सकें। तो फ्रेंड्स ये क्रैकलिंग कर रहा है जो कि बहुत ही अच्छी कर रहा है, तो ये देख सकते हो। इसको थोड़ा मैं अगर ऐसे कर दूँ तो आपको वीडियो सही अच्छी दिखेगी, पर कैमरे में कवर नहीं होती। ये क्रैकलिंग बहुत सही चल रहा है ये। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो, ये है 25 शॉट, ठीक है, जो कि काफ़ी सही है। या स्टार्टिंग देखो, जो स्टार्टिंग हो रही है बहुत बम हो रही है जहर, काफ़ी हाइट भी काफ़ी जा रही है इसकी, ये नहीं है कि ये ऐसे ही जाएगा। वो देखो हाइट सही है ना, पैसे वसूल बहुत सही है। तो फ्रेंड्स इसकी डिटेल कुछ कैसी रहती है जी, अपना मलकीत भाई ऐ खुशी से पागल, पर इसको पटाखे फटने वाले पसंद है। तो फ्रेंड्स सीन है कुछ ऐसा, ये 25 शॉट चल चुके हैं ये सारे के सारे, ये आप चेक कर सकते हो। कुछ सीन अंदर से कुछ सीन ऐसा है, ये चेक कर सकते हो। मतलब कि ये अगर आप लोकल लेते हो इससे सस्ता आपको मिलता है, तो क्या होगा उसमें से ये चलेंगे, इनकी क्या होगा एक साथ दो पटाखे चल जाएंगे, तीन चल जाएंगे, पर इनकी पूरी डिटेल एकदम सही टू सही चल रही है कि हाँ भाई एक को चाह के खत्म हो रहा है दूसरा चल रहा है। तो चलो अब एंड करते हैं वीडियो का। फाइनली मैंने ये भी बजा के दिखा दिया। इस पटाखे का क्या था कि ये जब बजता था तो ये नीचे से ही बजता टर करता ऊपर तक जाता था, काफ़ी ऊपर तक जाता था। तो ये थे 12 शॉट, इसके नीचे होती है मिट्टी और लगी होती है ये मैंने उतार दिया आपको दिखाने के लिए कि इसके नीचे मिट्टी लगी होती है। मिट्टी क्यों होती है, क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए, जब पटाखा प्रेशर मारता है ना तो ये हिले ना, इसलिए बैलेंस के लिए ये होती है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, काफ़ी बढ़िया चला। तो ये रहा 25 शॉट। 25 शॉट का क्या सीन था, ये काफ़ी ऊपर जाके फिर चर्र करता था, इसको क्रैकलिंग कहते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और वैसे कई जने वो पसंद करते हैं जो ऊपर जाके फटता है, तो उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। तो ये थे हमारे स्काई शॉट। तो आई होप कि आपको स्काई शॉट में मज़ा आया होगा, स्काई शॉट मैंने सारा बता दिए। इनके रेट आज की डेट के हैं, जैसे जैसे डेट दिन हटते जाएंगे वैसे 5-5, 10-10, 5-10, 5-10, 5-10 रुपये बढ़ते जाते हैं। जैसे कि भाई ने अभी मेरे ऑर्डर किया था, भाई का नाम भूल गया, तो वो जो 150 वाला मैंने बताया था उसके रेट भी बढ़ चुके हैं, और दूसरी बात कि वो माल ही खत्म हो चुका है, वो स्टॉक नहीं आ रहा। अब नया स्टॉक आएगा तो रेट बढ़ के आएगा। तो दिवाली में जैसे जैसे निकलते जाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा, अक्टूबर में रेट दिखेंगे आपको कि वाकई इनमें फ़र्क आ चुका है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इसी तरह सपोर्ट कर देना और भी आपको वीडियो मिलेगी। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, इसी तरह सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो किस पे